नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर है हम। टेंसेंट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार चाइना की लीडिंग फंड कंपनीज में से एक हार्वेस्ट हांगकांग ने आधिकारिक तौर पर हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन को बिटकॉइन स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए अप्लाई किया है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये शहर में पहला बिटकॉइन स्पॉट ETF होगा। हार्वेस्ट का लक्ष्य 10 फरवरी को लूनर न्यू ईयर हॉलिडे के बाद इसे लॉन्च करना है। ये निर्णय एक महत्वपूर्ण कैपिटल इन्फ्लक्स और यूनाइटेड स्टेट्स में एक फोर्टनाइट पहले पेश की गई स्पॉट बिटकॉइन ETF की इनिशियल सीरीज के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया के बाद लिया गया है। 11 जनवरी को US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा समर्थन ने चीन सहित विभिन्न क्षेत्रों की फाइनेंशियल एंटिटीज को कंपेरेबल प्रोस्पेक्ट्स तलाशने के लिए प्रेरित किया है। हार्वेस्ट हांगकांग द्वारा सबमिटेड एप्लीकेशन फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। कंपनी डिजिटल एसेट्स में बढ़ती रुचि का लाभ उठाना चाहती है। हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कमीशन भी ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ खुद को जोड़ते हुए ग्लोबल ट्रेंड्स के इनोवेशंस को अपनाने में सक्रिय रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूनाइटेड स्टेट्स में स्पोर्ट्स लेजेंड को अदालत में ले जाने के चल रहे प्रयासों के बावजूद अपने नॉन फंजिबल टोकन्स के होल्डर्स से किए वादे पूरे किए हैं। 25 जनवरी को क्रिप्टो एक्सचेंज बायनांस ने रोनाल्डो को कई फैंस और उनके NFT होल्डर्स के साथ फुटबॉल खेलते हुए एक वीडियो शेयर किया। साथ ही बायनांस एंडोर्सर्स कैबी लमे और क्रोएशियन फुटबॉलर मारिया मार्कोविच के साथ रोनाल्डो ने NFT होल्डर्स के साथ परीक्षण लिया और उन्हें अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए। 2022 में फुटबॉल स्टारर ने एक मल्टी ईयर NFT पार्टनरशिप पर साइन किया और बायनांस के साथ अपना पहला NFT कलेक्शन जारी किया। एग्रीमेंट में रोनाल्डो के साथ NFT कलेक्शंस की एक सीरीज बनाना और NFT होल्डर्स को स्पोर्ट्स आइकन के साथ एक्सक्लूसिव एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज देना शामिल था। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल मेटावर्स में अपराधों की संभावनाओं और उनसे कैसे लड़ा जाए इस पर विचार करना शुरू कर रहा है। पिछले हफ्ते पुलिस इंस्टीट्यूशन ने मेटावर्स अ लॉ एनफोर्समेंट पर्सपेक्टिव नामक एक रिपोर्ट जारी की जो मेटावर्स में किए जा सकने वाले विभिन्न अपराधों और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की प्रतिक्रिया में सुधार के लिए प्रस्तुत अवसरों को निर्दिष्ट करती है। इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल जोगन स्टॉक मानते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड की ओपनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपने अपराधों को मेटावर्स तक विस्तारित करने के अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। इन चुनौतियों में से एक मेटावर्स में यूनिक गवर्नेंस की कमी है, ये देखते हुए कि ये डिजिटल दुनिया कई देशों में होस्ट की गई है। इस अर्थ में रिपोर्ट में कहा गया है कि मेटावर्स में ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन और अन्य मौजूदा इंटरनेशनल लॉज के एप्लीकेशन को सुनिश्चित करना फंडामेंटल होगा। इसलिए इंटरपोल एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत करता है जिसमें मेटावर्स और क्रॉस बॉर्डर कॉरपोरेशन के विभिन्न स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं और मेटावर्स के भीतर होने वाले अपराधों पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए इसे आवश्यक मानते हैं। रिपोर्ट ये भी मानती है कि मेटावर्स का उपयोग पुलिस एजेंसियों की क्षमताओं में सुधार के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए डिजिटल दुनिया का उपयोग आपदा प्रतिक्रिया के लिए, प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए या मेटावर्स पर रिप्रोड्यूस स्पेसिफिक लैंडमार्क या क्षेत्रों पर सतर्कता कार्यों का अभ्यास करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही पुलिस एजेंसीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार के लिए मेटावर्स पर मीटिंग्स आयोजित की जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए मीम कॉइन एयरड्रॉप के लिए फ्रेंजी और स्टेबल कॉइन स्वैप्स में वृद्धि के बीच सोलाना बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जुपिटर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले 24 घंटों में $480 मिलियन के चार्ट में टॉप पर पहुंच गया है। CoinGecko डेटा के अनुसार ट्रेडिंग एक्टिविटी ने यहां तक ही यूनिस्वैप ने V2 और V3 दोनों प्रोटोकॉल से यूनिस्वैप पर इथेरियम आधारित वॉल्यूम को $10 मिलियन से हरा दिया है। पिछले 24 घंटों में उन प्रोटोकॉल का कंबाइंड ट्रेडिंग वॉल्यूम केवल $470 मिलियन था। जुपिटर का टोटल डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम का $50 मिलियन से थोड़ा अधिक मूल्य वैन खरीदने और बेचने वाले ट्रेडर्स से आया एक नया मीम कॉइन जिस पर कोई भी सोलाना यूजर क्लेम कर सकता है जिसने पिछले 6 महीनों में जुपिटर के साथ बातचीत की थी। ओवर टू रोशनी। पॉपुलर Web3 इन्वेस्टमेंट ऐप डोपामाइन के डेवलपर Web3 इंटेलिजेंस ने अपने नेटिव टोकन डोप के लॉन्च से पहले एक प्राइवेट फंडिंग राउंड में सफलतापूर्वक $4.5 मिलियन जुटाए हैं। फंडिंग राउंड जिसमें डाओ मेकर, शिमा कैपिटल और Get.io जैसे नोटेबल इन्वेस्टर्स की भागीदारी शामिल थी। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्षेत्र में वेल्थ मैनेजमेंट बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के लिए एक नोटेबल माइलस्टोन है
जैसे कि हाल ही में CoinDesk रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फंडिंग अनाउंसमेंट का कॉर्नरस्टोन डोप यूटिलिटी टोकन की शुरुआत है, जिसे डोपामाइन सुपर ऐप के भीतर पावरफुल फंक्शनैलिटीज और प्रीमियम फीचर्स को अनलॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है। मल्टी लेयर टोकन यूजर्स के लिए डीफाई इन्वेस्टमेंट के लिए गेमिफाइड एक्सपीरियंस तक पहुंचने के लिए एक गेटवे के रूप में कार्य करता है। हालांकि टोकन पहले क्वार्टर में सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों एक्सचेंजों पर उपलब्ध होने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी तक तय नहीं की गई है। होल्डिंग डोप यूजर्स को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वेब थ्री इंटेलिजेंस के कॉम्प्रेहेंसिव टेक स्टैक और सोर्स कोड तक पहुंच प्रदान करेगा। इसके साथ साथ डोप होल्ड करने वाले इंस्टीट्यूशंस को वेब थ्री इंटेलिजेंस के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुँच प्राप्त होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब थ्री से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीम। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।